रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, टेक्निकल ईजी में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को रास्त आईडी यूबीएल अकाउंट में बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये रास्त आईडी है क्या। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले रास्त प्रोग्राम जो इंस्टेंट पेमेंट सर्विस है, जो कि बहुत ही अच्छी सर्विस है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च कर दी गई थी सर्विस। ये अब हर बैंक में तकरीबन ऐड कर दी गई है, जिसके ज़रिए आप लोग ये रास्त आईडी बना सकते हो। दोस्तों, रास्त आईडी बनाने में आप लोगों को जो आप लोगों का रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, वो ही आप लोगों का अकाउंट नंबर बन जाएगा। और रास्त आईडी के थ्रू अगर आप लोग पैसे सेंड करेंगे, तो आप लोगों के एक मिनट में पैसे जो है वो आप लोगों के रिसीव हो जाएंगे। और यहाँ से अगर सेंड करोगे तो उस बंदे को एक मिनट के अंदर ही रिसीव हो जाएंगे। दोस्तों, पहले क्या होता था कि 24 घंटे का टाइम होता था, 24 घंटे के अंदर ही आप लोगों को पैसे रिसीव होते थे। लेकिन ये रास्त आईडी जो है, ये अगर बनाओगे, अगर रास्त प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग पैसे भेजोगे, तो आप लोगों के मिनट्स में जो है वो पैसे मुंतकिल हो जाएंगे दूसरे अकाउंट में। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को यूबीएल में रास्त आईडी क्रिएट करने का बताऊंगा तरीक़ेकार। और ये आप लोगों का मोबाइल नंबर ही बन जाएगा। बाद में जब भी आप लोग पैसे मंगवाओगे, तो अगर आप लोगों को अपने अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं, तो आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उनको बोलना है कि ये मेरा रास्त आईडी है, इस पे आप लोग पैसे भेजें। उसको बता देना है कि ये मेरा यूबीएल रास्त आईडी है। यूबीएल रास्त आईडी में अगर आप लोग बनाओगे, तो आप लोगों के अकाउंट में वो बंदा जब पैसे भेजेगा, तो जस्ट आप लोगों का मोबाइल नंबर ही इंटर करेगा। मोबाइल नंबर जैसे इंटर करेगा, उसके सामने आपका टाइटल यानी आपका नाम और पूरी डिटेल आ जाएगी। बाद में आपको पैसे भेजेगा, जो आप लोगों को सेकंड्स में आप लोगों आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने यूबीएल डिजिटल एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आ चुका है, योर मोबाइल नंबर इज़ नाउ योर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप देख चुके होंगे, मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल जो है वो बता दी है। अब चलते हैं आप आगे। इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लोगों ने अकाउंट में लॉगिन हो लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन हो जाता हूँ साइन इन करके। बाद में आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। आप लोगों ने भी अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर प्रोफाइल पे आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी हम दूसरे पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो, सेटिंग्स लिखा हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो, रास्त मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने रास्त मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रास्त मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट आप देख सकते हो लिखा हुआ है, क्रिएट, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया है, तो अब दूसरे पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट रास्त आईडी पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट रास्त आईडी पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेना है। मैं मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू का निशान आ जाता है। मैंने मोबाइल नंबर को चूज़ किया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आप लोगों ने भी सेम तरीका इस्तेमाल करना है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर जो है वो आ जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ पे रास्त आईडी मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट, जो मेरा अकाउंट है, इस पर ये लिंक है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ये रास्त आईडी जो है, आप लोग एक ही अकाउंट में एक ही नंबर पे बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मेरा ये यूबीएल का अकाउंट है, मैं अगर इस पे रास्त आईडी इसी नंबर पे बनाता हूँ, तो मेरा ये दूसरा अकाउंट एमसीबी में है और उसी में ही ये नंबर रजिस्टर है, तो उस पर मैं ये नहीं बना सकूँगा। यहाँ से मैं इसको ऑफ़ करूँगा, रिजेक्ट करूँगा।
उसके बाद ही एमसीबी में बनाऊंगा। तो एक ही नंबर पे एक ही रास्ट आईडी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को वेरिफिकेशन कोड आप लोगों के मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, वो कोड आप लोगों ने इंटर करना है। उसके बाद आप लोगों का रास्ट आईडी बन जाएगा। फिर जब भी आप लोग पैसे मंगवाओ तो आप लोगों ने रास्ट आईडी के जरिए मंगवाने हैं। उसको बोलना है कि ये मेरा यूबीएल का रास्ट आईडी है जो कि अकाउंट नंबर है, ये आप लोग मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर ही सेंड करें। तो आप लोगों को पैसे जब सेंड कर दिए जाएंगे तो सेकंड्स में आप लोगों को पैसे वसूल हो जाएंगे। दोस्तों मैंने जो बता दिया है तरीका, आप लोगों ने सेम तरीका करना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने आप लोगों को सिर्फ तरीकेकार बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।